नमस्कार बच्चों, आज हम विकास का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, और विकास की धारणीयता यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं ऐसी सुविधाएं हैं जो सभी के लिए उपलब्ध होती है, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल इत्यादि। बच्चों, सार्वजनिक सुविधाएं वह सुविधाएं हैं जिन्हें वास्तविक जीवन में लाने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है, जैसे किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता होता है, न कि हर घर के लिए सुरक्षा गार्ड रखना। बच्चों, हमने अपने पहले उदाहरण में देखा कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अर्थात केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक तरह से कार्य कर रही है। अब हम जानेंगे शरीर द्रव्यमान सूचकांक के बारे में। शरीर द्रव्यमान सूचकांक कैसे निकाला जाता है? हम इसमें भार को किलोग्राम में लेते हैं और ऊंचाई को मीटर में, और भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग देते हैं। नीचे दिया गया आंकड़ा BMI की स्थिति दिखाती है। भाग देने के बाद अगर 18 से नीचे है तो व्यक्ति सामान्य से कम वजन का है। 18.5 से 24.9 के बीच में है तो व्यक्ति समान वजन का है। 25 से 29.9 के बीच है तो व्यक्ति सामान्य से अधिक वजन का है। 30 से 34.9 है तो व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है, और 35 से 39.9 है तो व्यक्ति अति भारित है। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्वास्थ्य स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। इसमें किसी देश को उसके गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आइए इस तालिका पर हम लोग गौर करते हैं और देशों के विषय में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कुछ देशों का नाम लिखा हुआ है, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। ये मानव विकास रिपोर्ट है। इस तालिका से हमें यह ज्ञात होगा कि कौन सा देश अच्छा है और अपने नागरिकों पर पूरा ध्यान देता है। इसमें कुल 177 देश हैं। इसमें हम देख सकते हैं श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 4,390 है, भारत का 3,139 है, म्यांमार का 1,027 है, पाकिस्तान का 2,225 है, नेपाल का 1,490 है, और बांग्लादेश का 1,870 है। तो हम देखते हैं कि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय में भारत से ऊपर है। जन्म के समय संभावित आयु, इसमें हम देखते हैं कि श्रीलंका का 74 ईयर्स है, भारत का 64 ईयर्स है, तो इसमें भी श्रीलंका भारत से ऊपर है। साक्षरता दर, 15+ वर्ष की जनसंख्या के लिए
श्रीलंका में 91 है और भारत में 61 है। इसमें भी श्रीलंका भारत से आगे है। तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात, इसमें हम देखते हैं श्रीलंका 69 है और भारत 60 है, तो इसमें भी श्रीलंका भारत से ऊपर है। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक, हम देखते हैं कि श्रीलंका का 177 देशों में 93 है, जबकि भारत का 126 है, यानी कि भारत श्रीलंका से बहुत ज़्यादा नीचे है। तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो भारत से सारे स्तरों में अच्छा कर रहा है। विकास की धारणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास की धारणीयता का अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना। तो बच्चों, विकास की धारणीयता के लिए हमें निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला है सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, दूसरा नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, तीसरा अति शोषण और अति उपयोग पर रोक, चौथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, और पांचवा वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद करना। वैकल्पिक संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला परंपरागत स्रोत, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, बिजली, कोयला इत्यादि। दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत, जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। तो बच्चों, इस भाग के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने पढ़ा सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में, शरीर द्रव्यमान सूचकांक के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में और विकास की धारणीयता के बारे में। तो फिर हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय।